हाय, गुड इवनिंग। बात करेंगे आज निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेडिंग हुआ था। मैंने पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बताया था कि अभी भी मार्केट बढ़िया है, बस हल्का फुल्का कंसोलिडेट होगा अपने हिसाब से, बस पोजीशन लेकर। बस इंट्राडे, तो इंट्राडे में तो बस 100-150 पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए जी। 100-150 पॉइंट आराम से बैंक निफ्टी दे देता। तो ये मैंने निफ्टी का ये 15 मिनट चार्ट लगा के बैठा हूँ। अब देखो, ये ओपन हुआ था किसने में, ऊपर गैप अप में ओपन हुआ था, देन थोड़ा नीचे आया, फिर उसके बाद देखो ऊपर किसे भागा है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी था। ये 15 मिनट 1 घंटे था मार्केट ऊपर गया था, तो कहीं ना कहीं आप पोजीशन यहीं से लेना चाहिए था। और इसके बाद मार्केट साइडवेज था। मार्केट आज एक अपॉर्चुनिटी दिया था मार्केट, और दिन भर मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था निफ्टी में। और डे चार्ट में हम देखेंगे डे चार्ट में क्या कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। देखो शानदार, देखो ये ना धीरे धीरे इसको ब्रेक करेगा। ये कितना है, 21,000, हाइस्ट कितना गया था 21,553। तो ये ना अभी कितना है क्लोज, क्लोज 91, मतलब 91-92 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। लास्ट क्लोजिंग कितना था, 21,255, और आज की क्लोज कितना है, 21,441, सॉरी लास्ट क्लोज है 349 और ये 441। तो 95-92 पॉइंट मार्केट क्लोज हुआ है ऊपर पॉजिटिवली। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, देखो ये हायर हाई हायर लो हो रहा है। देखो ये लो है, ये लो के ब्रोक नहीं किया है, तो ये अब ऊपर जाएगा और जाएगा और जाएगा मार्केट ऊपर। और जैसे ही मैंने ये यहाँ मैंने एक स्ट्रेटेजी हिसाब करके मैंने यहाँ लगाया था कि 23,117 तक मार्केट फर्स्ट टारगेट यहाँ टच करेगा निफ्टी, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आएगा और फिर ऊपर जाना है, तो फिर 2-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते कंसोलिडेट होगा, देन फिर ऊपर जाएगा। और ये देखो निफ्टी तो आज अच्छा सा था। और बैंक निफ्टी थोड़ा देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड हुआ था। बैंक निफ्टी निफ्टी सेम ट्रेडिंग, दोनों की सेम कॉन्सेप्ट है। अब देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है कंपैरिजन टू निफ्टी। अब देखो बैंक निफ्टी और तेजी थोड़ा दिखाएगा ना, निफ्टी और भागेगा। तो ये लास्ट क्लोज कितना था, लास्ट क्लोजिंग कितना था, 47,491-92 था। तो आज कितने, 233 पॉइंट आज मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी 47,724 में क्लोज हुआ है मार्केट। तो ये जैसे ही मैं बता रहा हूँ कि मार्केट धीरे 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 ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे नहीं आएगा। देखो यहाँ से देखो ये कंसोलिडेट हो रहा है, क्या कितने देर तक देखो यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, देख रहे हो ये कितने हफ्ते, 1, 2, 3, 4 है, 1 हफ्ता हो गया, मतलब 7 ट्रेडिंग सेशन तक मार्केट ऊपर नीचे कंसोलिडेट हो रहा है, ना भाग रहा है ना जा रहा है, कंसोलिडेट हो रहा ही बस मार्केट। तो कंसोलिडेट होकर फिर ऊपर जाएगा, भागेगा। फिर 15 मिनट देखेंगे, 15 मिनट में एक्चुअली अपॉर्चुनिटी दिया था कि नहीं मार्केट, अपॉर्चुनिटी मिला था कि नहीं। यस अब देखो यही पोजीशन में मिला था, यहाँ जब आया है, यहाँ पोजीशन जब मिला, यहाँ मिला था, तो यहाँ पोजीशन लेके जाना चाहिए था आप लोग को। यहाँ पोजीशन लेके जाएंगे तो फिर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। एक्चुअली आज इंटरडे में एक ही बार दिया था अपॉर्चुनिटी, उसके बाद तो दिन भर मार्केट इतना वोलेटाइल था और कंसोलिडेट हो रहा है एकदम, देख रहे हो। यहाँ देखो यहाँ से ही शुरू हो गया कंसोलिडेशन, शुरू हो गया। देखो एक रेंज बाउंड में मूवमेंट कर रहा था मार्केट, एक ही रेंज बाउंड में मार्केट मूवमेंट कर रहा था। देखो ऊपर नीचे और ऊपर से स्टॉप लॉस हिट, नीचे से स्टॉप लॉस हिट, ना मोमेंटम था ना कुछ नहीं था, बस कंसोलिडेट दिन भर कंसोलिडेट हुआ। 1 घंटे के बाद कंप्लीटली मार्केट, 1 घंटे के बाद मैं बता रहा हूँ, कंप्लीटली मार्केट साइडवेज था, दिन भर मार्केट साइडवेज था। और सबसे बड़ी चीज, अब कंसोलिडेशन हो रहा है, मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब मार्केट और तेजी होगा। और मैंने यहाँ एक लगा, ये तो 48,200, तो ये हाइस्ट पॉइंट है, यहाँ टच किया था 219, इसको क्रॉस जब करेगा मार्केट, देन मार्केट की तेजी आएगा। और मैंने शायद यहाँ लगाया था 50, यस मैंने एक हिसाब करके यहाँ लगाया था, बैंक निफ्टी अब नियर टर्म में 52,000 टच करेगा। निफ्टी
टच करेगा 23,000, तो ये टच करेगा 52,000। पॉसिबल मतलब 1 महीने 2 महीने के अंदर ही पॉसिबल हो जाएगा। और आप लोग सोचोगे यार ये इतना तेजी कहाँ से आएगा। एक बार मैंने बताया था 24 नवंबर को कि भाई बैंक निफ्टी बुलिश मोमेंटम में है, भागेगा। फिर उसके बाद मार्केट में रिजल्ट आया, इलेक्शन रिजल्ट आया, फिर मार्केट भागा, इतना भागा 5,000 पॉइंट मार्केट भाग गया। 32,700 800 तक गया था, देखो आज 38,200 तक गया था, मतलब 6,000 पॉइंट लगभग 5,500 पॉइंट मार्केट भागा। तो अभी भी मैं बता रहा हूँ मार्केट 52,000 टच करेगा बैंक निफ्टी, और निफ्टी टच करेगा 23,100 तक पॉसिबल जा सकता है। तो ये आज एक बार एक्चुअल मार्केट दिया था अपॉर्चुनिटी, लेकिन दिन भर कंसोलिडेट हो रहा था तो इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, एक बार मिला था सुबह। और कौन देख लेते हैं थोड़ा ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं, ऑप्शन चेन में क्या क्या हुआ है। ऑप्शन चेन में भी बता रहा है क्या, पूर्व साइड में देखेंगे तो ये निफ्टी का हम देख रहे हैं ना। हाँ यस, निफ्टी का हम चेक कर रहे हैं। देखो यहाँ जबरदस्त सपोर्ट है, पुट ओपन इंटरेस्ट ज्यादा किसमें, 21,400 के पास, देन 21,300, देन 21,200, हाँ 21,100। तो हर 100 पॉइंट में ओपन इंटरेस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा ये पुट राइटिंग करके बैठे हैं। और यहाँ राइटिंग शुरू होना, देखो यहाँ 21,500 के मार्केट, ये कॉल राइटिंग वाले ज्यादा है, लगभग 1,90,000 यहाँ राइटिंग होना शुरू हो गया पुट में। देखो ओआई ओपन इंटरेस्ट ज्यादा, यहाँ राइटिंग होना शुरू हो रहा है। देखो ओआई चेंज हुआ है, 55,000 बढ़ा है। तो यहाँ भी तो पॉसिबल है कि 2 दिन में मार्केट 21, आज कितने में मार्केट क्लोज हुआ है, आज अंडरलाइन प्राइस कितने, यस 21,441। तो 21,500 को ब्रेक करने के लिए बस 50-60 पॉइंट चाहिए मार्केट को, तो आराम से ब्रेक करेगा। ये 21,500 को ब्रेक करेगा तो ट्राई करेगा 21,600 को ब्रेक करने के लिए मार्केट। 2 दिन बाकी है जो मंथली एक्सपायरी के लिए, और उसके बाद 21,500 700 के पास भी ये कॉल राइटिंग ज्यादा है, तो ये लोग आगे आगे 21,800, 21,900, देन 22,000। तो हर 100 100 पॉइंट भी आगे आगे ये कॉल राइटिंग ज्यादा है। और सबसे बड़ी चीज है यहाँ सब राइटिंग, ये देखो शॉर्ट कवरिंग होना शुरू हो गया यहाँ से कॉल राइटिंग वाला, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने की चांसेस ज्यादा है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या है, कैसे पोजिशन लेकर जाएंगे लोग। यस, बैंक निफ्टी भी वही है। यस, कहाँ राइटिंग, यस ये देखो बैंक निफ्टी तो भर भर के राइटिंग करके 37,500 के पास अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सपोर्ट जोन है। देन अभी ये 47,500, माई मिस्टेक, 47,500, देन 47,600 के पास भी 1,30,000, और यहाँ 47,700 के पास भी है। देन यहाँ देखो यहाँ भी राइटिंग होना शुरू किया, 47,900 800 के पास, देन 47,900 के पास, लेकिन 48,000 के पास एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग यहाँ है, ये 2 लाख है। तो इसको तोड़ने के लिए ना एक गैप अप ओपन चाहिए, गैप अप ओपन होगा तो फिर लोग भागेंगे। और इसके बाद 48,200, देन 40,300, देन 48,500 कॉल राइटिंग एग्रेसिव में। और यहाँ एक 49,000 के पास एक जबरदस्त रेजिस्टेंस पॉइंट है, कॉल राइटिंग ज्यादा है, मतलब लगभग 2,30,000 है। और पॉसिबल 2 दिन में मुझे जहाँ लग रहा है 48,200 तक मार्केट जा सकती है, 48,200 के पास ट्राई करेगा मार्केट जाने के लिए, और ब्रेक भी कर सकता है। और 48,200 ब्रेक करेगा तो देन 48,500 को टच करेगा फिर मार्केट बैंक निफ्टी। अभी ये 2 दिन जो बाकी है इसमें, अब जो आज जो दिन भर कंसोलिडेट हुआ है ना, उसके लिए ना अब देखो 47,700 है,
अब 800 पॉइंट मार्केट जा सकती है पॉसिबल 2 दिन में, कोई ये नहीं है, पॉसिबल जा सकता है। तो बी केयरफुल, हाईली वोलाटाइल रहेगा, हाईली मोमेंटम रहेगा, ऑप्शन बायर के लिए बढ़िया है चीज। तो आप इस मोमेंट को अच्छे से और जल्दबाजी नहीं है, आराम से अपने स्किल यूज करो, रिस्क रिवॉर्ड जितना भी आपके रिस्क के हिसाब से आप लेकर जाओ और हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा के जाओ। देन देख लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट में। ग्लोबल मार्केट, यस ग्लोबल मार्केट में ठीक है, अमेरिकन मार्केट बहुत बढ़िया है, डाउ जॉन डाउ फ्यूचर बढ़िया पॉजिटिव है, S&P 500 पॉजिटिव है, नासदाक पॉजिटिव है, अरे वाह, और यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव है, सब बढ़िया है, और हमारी एशियन मार्केट भी पॉजिटिव है, बस सैमसंग चाइना फाइना उनकी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमारी मार्केट में। ब्रांड क्रूड ऑयल थोड़ा बढ़ रहा है और डॉलर एक्स घट रहा है, ये अच्छा चीज है। देन यूएस की बॉन्ड रेट घट रहा है, अच्छा है ये। देन एडीआर देखेंगे, एडीआर एडीआर या एचडीएफसी बैंक एडीआर पॉजिटिव है, और देन आईसीआईसीआई बैंक एडीआर पॉजिटिव है, एक्सिस की अब कुछ ये नहीं है, रिजल्ट नहीं आया है, सपोज अपडेट नहीं हुआ है, तो ये मतलब ओवरऑल ओवरऑल अभी भी मार्केट बुलिश है, बस ऐसा नहीं कि एकदम जैसे बुलिश मोमेंट आ रहा था 700 800 पॉइंट हर दिन बढ़ रहा था, ऐसा नहीं, लेकिन मार्केट अभी भी ऊपर तक जाएगा। आप आराम से पोजीशन लेकर बैठिए, आपके हिसाब से रिस्क रिटर्न के हिसाब से आप पोजीशन लीजिए, हर ट्रेड में स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, आप आराम से ऐसे ला के जाइए। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।